हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं वैगनर मर्विन रीअरेंजमेंट की। मैंने बहुत सारी वीडियोस में इसके बारे में, मतलब बहुत सारी वीडियोस नहीं, पता इस सिस्टम के बारे में, इस रीअरेंजमेंट के बारे में बहुत बार बात की है पिछले कुछ वीडियोस में। तो अब हम इसको डिटेल में देखेंगे और इससे रिलेटेड, क्योंकि जितना हमारे पास, क्या बोलते हैं, हमारे पास शस्त्र आ रहे हैं तो उनका यूज करना भी हमें आना चाहिए। तो ये बहुत ही डाइवर्सिफाइड टॉपिक है और ये कहाँ कहाँ होता है, किधर किधर होता है, ये बहुत ही, मतलब बहुत बड़ा टॉपिक है अगर वैगनर मर्विन रीअरेंजमेंट ले। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा एटलीस्ट आपको 10 से 20 एग्जांपल दे दूं, ठीक है। तो क्या हुआ कि वैगनर मर्विन रीअरेंजमेंट जब स्टार्ट हुई, लोगों ने इसको देखना स्टार्ट किया, तो बहुत सारे रिएक्शन में ना कुछ अनयूजुअल प्रोडक्ट्स बन रहे थे, ठीक है, जिसमें से कुछ एग्जाम्पल मैं ये भी बता चुका हूँ कि ये बन गया मेजर रिएक्टेंट, हमने लिया ये, बनना चाहिए था यहाँ पे सीएल हो जाता है, ऐसा कुछ कंपाउंड बनना चाहिए था, लेकिन ये माइनर था, मेजर ये वाला था। क्या हुआ था, कार्बोकैटायन 2 डिग्री कार्बोकैटायन 3 डिग्री कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हुआ था 1-2 मिथाइल शिफ्ट की वजह से। ऐसा पिछली कुछ वीडियो में, पिछली में भी हुआ था कि बनना चाहिए था यहाँ पे सीएल, लेकिन अनयूजुअल सा प्रोडक्ट बना और उसका एक्सप्लेनेशन क्या था कि 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट होता है, जैसे कार्बोकैटायन बनता है और 2 डिग्री 3 डिग्री में बन जाता है। लेकिन ये वैगनर मर्विन रीअरेंजमेंट मिथाइल शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट या एलाइल शिफ्ट तक वो नहीं है, ये बहुत जगहों पे होती है, ये सब्स्टिट्यूशंस में भी हो सकती है, ये एलिमिनेशन रिएक्शंस में भी हो सकती है। तो अब हम कुछ ऐसे एग्जांपल्स देखेंगे वैगनर मर्विन रीअरेंजमेंट के जिसमें ये होता है। तो सबसे पहली बात, कहीं पर भी ये चीज ऐसे भी आ सकती है, ये रीअरेंजमेंट है, कुछ लोग इसको माइग्रेशंस बोल देते हैं, कुछ लोग इसको शिफ्ट भी बोल देते हैं, डिपेंड करता है सामने वाले को क्या पसंद है। मैं इसको हमेशा रीअरेंजमेंट ही बोलता हूं, ठीक है। तो क्या हुआ, ये कंपाउंड है, इसको बोलते हैं कैम्फीन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है, हम इसका नेमिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि नेमिंग मैंने कभी 22 किलो कंपाउंड की बात की नहीं है, तो उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो में अलग से बनाऊंगा, बट अभी समझ लो इसका नाम कैम्फीन हाइड्रोक्लोराइड है और ये कन्वर्ट हो गया आइसो बोनाइल क्लोराइड में इन द प्रेजेंस ऑफ एच प्लस आयन। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ठीक है, होना क्या चाहिए था कि बस ठीक है भाई, सीएल ये बड़ा अनयूजुअल सा एक प्रोडक्ट है, देखो कहां मिथाइल यहां पे था कहीं, मतलब ये वहां शिफ्ट हो गया, ये इधर शिफ्ट हो गया, क्या हुआ क्या है। तो इस रीअरेंजमेंट में क्या हुआ, ये देखिए, ये हमें तो अभी इस समय ऑनलाइन अवेलेबल है, हम कहीं से भी उठा सकते हैं इन सब चीजों को, लेकिन इस प्रोडक्ट को, इस काम को करने में लोगों को सालों लगे थे। अगर आप इनसे रिलेटेड रिसर्च पेपर्स पढ़े या इनसे रिलेटेड बुक्स पढ़े तब आपको समझ में आएगा, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा कि ये कितना मुश्किल था। आज तो हमारे पास में बहुत सारी टेक्निक्स है, एनएमआर है, स्पेक्ट्रोस्कोपी है, बड़े दुनिया भर के वो है, तो हम बता पाते हैं। एक एक कंपाउंड की स्टडी में लोगों को पीएचडी मिला करती थी, एक कंपाउंड की स्टडी में। कुछ टेस्टोस्टेरोन का जो स्ट्रक्चर है, जो बहुत ही मतलब वियर्ड सा स्ट्रक्चर है, उसको आइडेंटिफाई करने में लोगों की पीएचडी हुई है पुराने जमाने में, तो सोचिए। और कुछ कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते थे कि एक स्केल्टन के बारे में बताने में ही लोगों की पीएचडी मिल जाया करती थी। तो उन लोगों का हार्डवर्क हम अप्रिशिएट करना चाहिए, पहली बात तो यही है, उनका डेडिकेशन अप्रिशिएट करना चाहिए, और उसके बाद में हमें रिसर्च कम्युनिटी के बारे में भी जानना चाहिए कि ये लोग करते क्यों है ये सब, ये लोग पागल नहीं है, ये लोग हमारे जो अब हमें चीजें बहुत इजीली अवेलेबल हो जा रही है, ये लोग उन्हीं की मेहनत है कि जो हमें सब कुछ बहुत इजीली मिल रहा है, तो ठीक है, बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं देते। तो ये कैसे हुआ होगा, ये इसका एक्सप्लेनेशन है कि पहले Cl- निकला होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हुआ होगा और ये जो रिंग है, ये रिंग यहाँ पे शिफ्ट हो गई, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट बोलते हैं एंटी पेरिप्लेनर है ये रिंग, ठीक है, इसको वो डिटेल में देखेंगे, बस अभी आप बस एज ए इंफॉर्मेशन इसको देख लो। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जनरेट हुआ, ये रिंग फ्लिप होके, मतलब यहाँ पे Cl हुआ और ये एडजस्ट होके इस तरह का कुछ कंपाउंड बन गया, ठीक है। उसके बाद में एक और कंपाउंड है, इसको बोलते हैं बोरोनिल, बोरनियोल और बोरनियोल जो भी तुम बोल सकते हो, बोरनियोल बोल सकते हो, और एक कैम्फीन
में कन्वर्ट होता है, ठीक है। ये कैसे कन्वर्ट होता है? बाय डिहाइड्रेशन। तो अगर हम कंसेंट्रेटेड SO4 किसकी रिएक्शन कराएं, तो यहाँ पे वो होगा अगेन कोई शिफ्ट हुआ, फिर यहाँ पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज जैसे ये फिर ये रिंग, इसके इक्वलेंट ये रिंग बनी, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे इस प्रोटोन को यहाँ पे रिलीज हुआ और ये बन गया। ये जस्ट इंफॉर्मेशन वीडियो है, ठीक है। इंफॉर्मेशन मतलब पहले हम इंफॉर्मेशन देंगे कहाँ कहाँ पे दिख रहा है, अगर कहीं दिख जाए तो आप समझ पाओ कि ऐसी चीजें होती हैं, मतलब ये है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही फैसिनेटिंग सब्जेक्ट है, ठीक है ना। मुझे अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रेट करना हो तो आई गेस क्वांटम केमिस्ट्री के बाद में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग टॉपिक है। ऑल्दो मैंने सभी चीजों में काम किया हुआ है तो मुझे थोड़ा सा आइडिया है सब चीजों का, लेकिन क्वांटम केमिस्ट्री के बाद में आई गेस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और समटाइम्स मुझे लगता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या क्वांटम केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की थोड़ी सी कॉम्प्लीमेंट्री है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपने आप में आपको काम करते हुए बड़ा सुकून महसूस कराती है, ठीक है। एक और ऐसी रिएक्शन जिसमें मतलब थोड़ा इसका सेम टाइप ऑफ सिस्टम है, फिर वो प्रोटोन डोनेशन, फिर यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट हुआ। देखो यहाँ पे रिंग शिफ्ट नहीं है, यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट हुआ है। अब ये क्यों हुआ है ये सब अभी हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता है, प्रोडक्ट इस तरह का कुछ पाथ लेता है, ठीक है। ये मैं बता देता हूं, जो भी लोग बना रहे हैं इनको बोलते हैं प्रपोज्ड मैकेनिज्म। प्रपोज्ड मैकेनिज्म है ये ऑब्जर्व्ड, ये आइडेंटिफाइड मैकेनिज्म नहीं है। जितने भी लोग आपको समझा रहे हैं प्रपोज्ड मैकेनिज्म होते हैं, बहुत रेयर केसेस में कोई भी मैकेनिज्म को आइडेंटिफाई करता है, बहुत मुश्किल टास्क है, लेकिन अभी कंप्यूटर सिमुलेशन हमारे पास है तो हम बता सकते हैं कुछ केसेस में। अब देखिए ये है हमारा कुनोलॉन डेरिवेटिव है, और इसको तुम बोल सकते हो 1,4-methoxy-benzene। इसमें होना था, ये है सम टाइप ऑफ फ्रीडलक्राफ रिएक्शन, फ्रीडलक्राफ एल्केलेशन। तो ये सबस्ट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड जो है, ये इसको डायरेक्टली यहां पे ऐड होना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे ऐड नहीं होता है, ऐड होता है ये यहां पे शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, यहां पे शिफ्ट होके तुम देखिए थोड़ा सा एक वियर टाइप तुम्हें स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, ये यहां पे शिफ्ट हुआ, मतलब इस तरीके से शिफ्ट हुआ, ठीक है। और एक देखिए कितना मतलब एक फैसिनेटिंग सा स्ट्रक्चर बन गया है ये, कि यहां पर भी एक मतलब रीअरेंजमेंट हुई है, मतलब सॉरी ये वाला सिस्टम नहीं है, ये वाला सिस्टम सॉरी। तो ये यहां पर रीअरेंज होना था, ठीक है, और ये इस तरीके से ऐड हुआ, ठीक है। तो अभी ये चीज समझिए कि इन दोनों दोनों केसेस में जो प्रोडक्ट है वो सेम आ गए। तो दोनों केसेस में अगर प्रोडक्ट सेम आ गए, मतलब एक अलग तरीके का अल्कोहल है, ये भी अलग तरीके का अल्कोहल है, लेकिन प्रोडक्ट सेम आ गए। तो ये जब ऐसा कुछ होने लगा ना, तो लोगों को समझ में आया, लोगों को पता चलने लगा कि हमें कुछ ना कुछ इसमें हो रहा है इंट्रिंसिक, जो हमें प्रपोज करना पड़ेगा। तो वैगनर और मर्विन दो लोग थे जिन्होंने इसको सबसे पहले बताया था, कि वैगनर ने बोला कि भाई हमारी एक रीअरेंजमेंट हम प्रपोज करना चाहते हैं कि इन स्ट्रक्चर्स में ये रीअरेंजमेंट होती है। तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री है। अब हम उन केसेस की बात करेंगे जहां जहां पर ये मतलब दिखती है, किन किन केसेस में। तो देखिए आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको कुछ चीजें इसमें याद करनी भी पड़ सकती हैं, ये कोई बहुत स्ट्रांग हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जहां जहां याद नहीं कर, जहां जहां आपको नहीं, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा प्रमोट कर रहा हूं, लेकिन याद भी करना पड़ जाता है इन सब चीजों को जब आपको एक्सप्लेनेशन नहीं पता चलती है तो। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा जितना मैं डाल रहा हूं उसको एक्सप्लेन कर सकूं। ये पिछली चार स्लाइड जो है वो जस्ट आपको इंट्रोडक्शन देने के लिए थी, ठीक है। सबसे पहला एक रिएक्शन हमें पता है फ्रीडलक्राफ एल्काइलेशन कैसे होती है, कि हमारे पास में ये प्रोपाइल क्लोराइड है AlCl3, इससे ये निकाल देगा तो AlCl4 बन जाएगा, ठीक है, AlCl4-, और यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा जैसे इसमें दिखा रखा है। ये 1 डिग्री कैटायन है, इसमें 1 डिग्री कैटायन बहुत तेजी से हाइड्रोजन को यहां शिफ्ट करके 2 डिग्री कैटायन बना देता है, और ये 2 डिग्री जो हमें जो ऑब्जर्व सिस्टम है वो ये मिला, ठीक है। मिलना क्या चाहिए था, अगर डायरेक्टली अगर हम इसमें ऐड करते बेंजीन में तो ये मिलना चाहिए था, ठीक है, प्रोपाइल मतलब
ठीक है, प्रोफाइल बनाने के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, लेकिन ठीक है ये प्रोफाइल ग्रुप है। ठीक है, हुआ क्या, होना चाहिए था ये, लेकिन हो गया ये। ये किसकी वजह से हुआ, अगेन वैगनर मर्विन रीअरेंजमेंट की वजह से। ठीक है, तो अगर हमें ऐसा कोई कंपाउंड बनाना है तो थोड़ा सा हमारे पास में दूसरी ट्रिक होती है, हम फ्रीडरग्राफ एसाइलेशन करते हैं फॉलोड बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, तो वो भी हम कर सकते हैं, वो अभी हम नहीं बताएंगे। ठीक है, अब देखिए हमारे पास में अभी हमने, मैंने तुम्हें बताया था कि इट कैन बी हाइड्राइड शिफ्ट, इट कैन बी मिथाइल शिफ्ट, ये चीजें हम बता चुके हैं ऑलरेडी कि हाइड्राइड शिफ्ट भी हो सकता है, मिथाइल शिफ्ट भी हो सकता है। इट कैन बी रिंग शिफ्ट, मतलब पूरा एक सी एच टू ग्रुप भी शिफ्ट कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन 4 to 5 में जाना है फेवरेबल है, 5 to 6 में जाना है फेवरेबल है, रिंग एक्सपेंशन फेवरेबल होता है, 3 से 4 में जाना अनफेवरेबल है रिंग स्ट्रेन की वजह से। ठीक है, तो ये चीजें याद कर लेते हैं। उसके बाद में एक ही कंपाउंड लेते हैं, इसमें क्या होता है, हमारा एक फिनॉल है, यहां पर हमने HCl डाला, तो क्या होगा, पहले ये पहले केसेस में वाटर रिमूव करेगा, ठीक है, इस केसेस में यहां से यहां पर शिफ्ट होगा, मिथाइल शिफ्ट होगा। ठीक है, इन जनरल क्या होता है कि हम मतलब मिथाइल मतलब रिंग इसमें बड़ी नहीं हो सकती है, मतलब इसमें रिंग अगर हम घुसाएंगे तो थोड़ा वो प्रोडक्ट ऑब्जर्व नहीं हुआ, इसकी वजह से मतलब मैं ये बोलूंगा कि वो भी शिफ्ट हो सकता था, लोग क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन वो प्रोडक्ट ऑब्जर्व नहीं हुआ, तो इसका पहला इसका मतलब है कि इसमें मिथाइल शिफ्ट हुआ है। ठीक है, दूसरा कोई एग्जाम्पल है, ये 4-membered रिंग का है, 4-membered रिंग में अगर हम HCl डालेंगे पहले H+ ऐड होगा, ये वैसे निकलेगा फिर वाटर निकल जाएगा, क्योंकि इसमें अब इसका बहुत सीधा सा एक्सप्लेनेशन है कि 4-membered रिंग में स्ट्रेन होता है तो CH2 शिफ्ट हो जाएगा और 5-membered रिंग बनेगी, और कहीं और भी हो सकता है। ये एक एग्जाम्पल है कंसेक्यूटिव वैगनर मर्विन रीअरेंजमेंट का, तुम्हें दिखाई देगा वाह कितना बढ़िया सा स्ट्रक्चर है, होता क्या है ड्रॉ करना पड़ेगा खुद ही, मतलब ये है तो प्रोटो OH लिया H+ डाला, फिर यहां पे पहला शिफ्ट हुआ 4-membered, अब तुम बोलोगे यहां पे 3 to 4 शिफ्ट हुआ है, भाई इस केसेस में ये ऑब्जर्व हुआ है, हो सकता है क्योंकि इसमें कंसेक्यूटिव हो रहा है इसकी वजह से ये हो सकता है, तो 3 to 4 में कभी कभी ये शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, अभी एक और एग्जाम्पल मैं बताऊंगा जहां पे नहीं हो रहा है, लेकिन यहां पर इस सबस्ट्रेट के साथ में ये होता है, और ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से हो सकता है कि किसी ना किसी गेट या नेट के एग्जाम्स में आया भी हो। तो ये हुआ, और मतलब मैं जो भी पढ़ा रहा हूं बहुत क्वालिटी के साथ पढ़ा रहा हूं, कंटेंट बहुत ही क्वालिटी वाले हैं, ऐसे नहीं है कि फालतू चीजें हैं। ठीक है ना, जो भी अगर कोई मेरी वीडियोस देख लेगा और इन एग्जाम्पल्स को भी देख लेगा तो काफी काम हो जाएगा उसका। ठीक है ना, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है, मेरे को बहुत कुछ आता है। ठीक है, तो नेवर मतलब मुझ पर डाउट नहीं करना। ठीक है, मैं बस कोशिश कर रहा हूं कि जितना जल्दी हो सके अपनी चीजों को मतलब वीडियोस बना सकूं और उसको बस ड्रॉ कर सकूं दे सकूं। तो इस तरीके से भी कंसेक्यूटिव शिफ्ट होगा, एक के बाद एक शिफ्ट होगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है अब ये है, इस तरह से आप मना सकते हैं 5-membered रिंग 6-membered रिंग में शिफ्ट हुई, ये अगेन ये पॉजिटिव चार्ज, और उसके बाद में जैसे ये पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, यहां पर हाइड्राइड शिफ्ट भी होता है, तो ये एक और एग्जाम्पल है, ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके बाद में ये यहां पर ये 4-membered रिंग है जो एक्चुअली में अब 1, 2, 3, 4, 5, तो ये 5-membered रिंग बन गई, तो ये 4 to 5-membered रिंग का एग्जाम्पल है। रिएक्शन कैसे होगी, OH- यहां पे निकलेगा, ये कैटायन यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, फिर यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आने के बाद में CL यहां पे ऐड हो जाएगा। ये एक और एग्जाम्पल है, इसमें ये एरोमेटिक सिटी ड्रिवन मर्विन रीअरेंजमेंट है। कैसे है कि ये प्रोडक्ट भी बन सकता है, ये प्रोडक्ट एक्सप्लेन करना बहुत इजी है, लेकिन मेजर ये होता है हमेशा, ये प्रोडक्ट बनता है कैसे, जैसे H+ तुम ऐड करते हो, CH2 यहां पे है, रिंग एक्सपेंशन होता है, फिर यहां पे ये प्रोटॉन लूज करके यहां पे एरोमेटिक करेक्ट करा जाता है। तो ये एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। लास्ट एग्जाम्पल है जिसमें तुम्हें गेस करना है कौन सा मेजर है, ध्यान रखिए इसमें कभी भी रिंग एक्सपेंशन नहीं होता है, इस तरह के सिस्टम्स में
एक्सपेंशन नहीं होता है और जो प्रोडक्ट बनता है सिर्फ CH2OH बनता है बहुत इजीली, और ये इसमें रिंग नॉन एक्सपेंशन नहीं होता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ओके एक और मेरे पास है, ओह मेरे पास तो बहुत सारे एग्जांपल हैं। ओके तो ये भी एक तरीके का एग्जांपल है जिसमें हम मतलब वेगनर मर्विन रीअरेंजमेंट, ये भी एरोमेटिक ड्रिवन वेगनर मर्विन रीअरेंजमेंट है, यहाँ पे H+ ऐड होता है और फॉलोड बाय ये इस तरह कंपाउंड बनता है। तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, वीडियो को देख के आप रिएक्शन मैकेनिज्म को उसको स्टोर कर सकते हैं। ये भी एक सिमिलर टाइप ऑफ रिएक्शन है जिसमें 2 डिग्री जो इसमें मिथाइल शिफ्ट होता है। ठीक है, प्रोडक्ट अगर आपको पता हो तो आपको ड्रॉइंग करनी पड़ेगी, फिर यहाँ पे शिफ्ट होगा और उसके बाद में मतलब ये जो है ये एक रीअरेंज करके इस तरह से हो जाता है। ठीक है, और ये 4 to 5 मेंबर वाला एक्सपेंशन है, तो ये भी बहुत अच्छा एक एग्जांपल है 4 to 5 मेंबर रिंग्स में। ये एक्चुअली में स्पाइरो कंपाउंड है तो इसमें ये होता है। मेरे हिसाब से वेगनर मर्विन रीअरेंजमेंट के इतने सारे एग्जांपल्स मैंने दे दिए हैं, आप पढ़ सकते हैं, आप देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन देना था, मैं पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि कंटेंट बहुत अच्छे से बनाऊं, और कुछ पार्ट कहीं ना कहीं से लिया हुआ है, तो भाई जिसको लगता है कि भाई एग्जांपल्स पे उनका हक है तो वो ले सकते हैं, बट एग्जांपल्स तो हमारे खुद के, मतलब क्वेश्चन आंसर्स तो चेंज होंगे नहीं, तो आप इस्तेमाल करिए इनको, बहुत सारे वीडियोस को और इन सब एग्जांपल्स को, और देखते रहिए। थैंक यू, लव यू, और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को।